हाय दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस 2022 के लिए बेस्ट टाइम टेबल की। जेईई मेंस 2022 का जो डेट्स है कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तुम्हारा जनवरी खत्म होने वाला है, फेब और मार्च में किसी भी वक्त डेट्स आ सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच चुका है। तो अब जरूरत है तुम्हें एक ऐसे टाइम टेबल की जो तुम्हारे इस बचे हुए टाइम ड्यूरेशन को अच्छे वे में, बेस्ट वे में यूटिलाइज करवा दे। तो मैं जो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, जो टाइम टेबल मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा, अगर तुमने उसे अच्छे से फॉलो किया तो मैं अपने एंड से तुम्हें 99% गारंटी कर सकता हूं। ये जो है 99% गारंटीड सीरीज का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बताई है कि पढ़ना किस तरह से है। तुम अभी किसी भी स्टेज पे तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल हो, तुम्हें पढ़ना किस तरह से है कि 99% के आसपास या 99% के बहुत, मतलब उसके अराउंड तुम्हारा स्कोर आ सके, ठीक है। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ जो अभी लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करो और आराम से उस वीडियो को देख लो। तो अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। स्ट्रेटेजी तो उस वीडियो में बता दिया, अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि पढ़ना कैसे कैसे है, हमें पढ़ना क्या है उस वीडियो में बता दिया। अब पढ़ना कैसे कैसे है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट बातें होंगी, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आराम से चलते हैं वीडियो पे। अब टाइम टेबल देखते हैं। तो इस वीडियो को मैंने दो टाइप ऑफ लोगों के लिए बांटा है। पहले टाइप के लोग वो होंगे जिनके पास पूरा दिन फ्री, फ्री मींस कोई क्लासेस नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए ये वाला टाइम टेबल है। और जिनके क्लासेज हैं या जिनके कोचिंग चलते हैं उनके लिए ये वाला टाइम टेबल है। ये 6 आवर्स लिखने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम 6 आवर्स या 6 आवर्स के अराउंड जो टाइम है उनका क्लासेज या कोचिंग में चल जाता है, तो उसे देखते हुए आगे का टाइम टेबल को यहाँ डिजाइन किया गया है। और यहाँ जो है जो दिन भर फ्री रहते हैं, मतलब कि जिनका कोचिंग या क्लासेज नहीं है, पूरा सेल्फ स्टडी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिनका फ्री है उन्हें क्या करने की जरूरत है, 3 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स 3 आवर्स, केमिस्ट्री 3 आवर्स और मैथ्स 3 आवर्स, 3 आवर्स हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। मतलब 9 घंटे जो है तुम्हारे दिन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। अब तुम्हारे पास समय जो है वो काफी कम है, तो जेईई मेंस जो है और जेईई एडवांस जो है, जेईई आईआईटी जेईई का जो एग्जाम वो मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोर्स तुम्हारा जो हो सकता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम करते हो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं रिपीट होने के। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने अच्छे अमाउंट में किया है तो तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है, ठीक है। तो 3 आवर्स मतलब 9 घंटे डेली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने हैं, 1 घंटे PCM मतलब 1 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए थ्योरी के लिए, मतलब कि 3 घंटे तुम्हें टोटल डेली थ्योरी पे लगाने हैं, और 0.5 आवर्स तुम्हें रिवीजन पे लगाने हैं, मतलब दिन भर में जो भी तुमने पढ़ा, अगर तुमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट किया है दिन भर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त या थ्योरी कुछ हाईलाइट तुमने करके रखा है तो उसे तुम 0.5 आवर्स मतलब आधे घंटे में रिवीजन कर लो। तो टोटल जो तुम्हारा टाइम स्लॉट होगा वो 12.5 घंटे का होगा दिन में। 12.5 घंटे सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं पर जरूरत है, लेकिन टाइम स्लॉट कुछ इस तरह से बना हुआ है कि तुम्हें खेलने को भी, तुम्हें टाइम पास करने को भी टाइम मिलेगा और तुम्हारा पढ़ाई भी आराम से होगा। 12.5 घंटे कब कट जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और ज्यादा दिन नहीं करना है, थोड़े दिन तुम्हारे बचे हुए हैं, उसी में तुम्हें जो करना। 12.5 घंटे यार कितने, 2 से 3 महीने तुम्हें पढ़ने हैं, जब ये कट जाएगा ना समय अच्छा नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये स्ट्रगल वाला जो फेज है तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रहेगा। और इन्हें कितना पढ़ना है, इन्हें जो है इन बंदों के लिए था 3-3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनके लिए है 2-2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाने हैं, तुम्हारे लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तुम्हारे पास इतने सारे हो चुके हैं ना कि तुम उन्हें भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते हो अगर अभी स्टार्ट किया तो, और अगर पहले भी खत्म कर चुका है तो सबसे बेस्ट रहेगा तुम अगर उसी को रिवाइज कर लो। जैसे रिवाइज करोगे ना तुम्हारी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे 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 सॉल्व होता है। तो रिवीजन जो बच्चा करके जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
मतलब करने के बाद एक बार और रिवीजन, उसके लिए तो भाई और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, उसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है। और थ्योरी तुम्हें ये बच्चा एक एक घंटा थ्योरी पे देता था तुम्हें 0.5 आवर्स। अब तुम सोच रहे हो इससे मेरा कम टाइम चल रहा है तो मेरा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं दिक्कत होगा, तुम्हारे क्लासेस भी तो है, वहां से भी तो तुम कुछ सीख रहे होगे, ठीक है। अगर क्लासेस तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे उतना फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो तुम भी अपना क्लासेस कोचिंग जो है ट्राई कर सकते हो छोड़ने का, तो छोड़ो और फ्री क्लासेस में, फ्री स्लॉट्स में तुम आओ, ठीक है। तो 0.5 आवर्स तीन तीन सब्जेक्ट के लिए, मतलब 1.5 घंटे तुम्हें थ्योरी पे देना है, 2-2 घंटे मतलब कि 6 घंटे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देने हैं, और 0.5 आवर वैसे ही जो तुमने कुछ इंपॉर्टेंट अगर दिन में कुछ मार्क करके रखा है तो वो सब तुम्हें रिविजन में लगा देना है। तो तुम्हारा जो टोटल होता है यहाँ 6 घंटा, यहाँ 1.5 घंटा, यहाँ आधा घंटा, तो 8 घंटे का तुम्हारा स्लॉट है। इस बंदे का 12.5 घंटा, इस बंदे का 8 घंटा। देखो जो क्लासेस करता है ना उन लोग के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो होता है, क्योंकि क्लासेस तुम जा रहे हो वहां तुम्हें कुछ ढंग का मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, बस जा करके आ रहे हो, तो वो सब तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं कि तुम 6 घंटे बस तुम्हारा नाम के लिए क्लास चल रहा है तो वो 6 घंटा तुम्हारा बर्बाद हो रहा है ना, तो उस चीज को तुम्हारा भरपाई यही 8 घंटा तुम्हारे करना होगा। अगर तुम हो समझदार बंदे तो उस 6 घंटे में भी जब तुम क्लास जा रहे हो तुम ट्राई करो कि तुम अपना ही, अगर वहां टाइम पास हो रहा है तुम खुद से वहां पढ़ने का ट्राई करो, और अगर नहीं हो पा रहा, माहौल नहीं मिल रहा, तुम भी फ्री स्लॉट में आने की कोशिश करो। तो इस बंदे को 12.5 घंटे, इस बंदे को 8 घंटा। अब करना कब कब है वो हम यहाँ टाइमिंग में देख लेते हैं। सबसे पहली बात इन दोनों बच्चे के लिए मेडिटेशन, सुबह 4:30 बजे जगना है और 5 बजे तक तुम्हें फ्रेश होना है या मेडिटेशन करना है, जो तुम्हारा मन। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा दिन भर दिमाग शांत रहेगा, तुम जो भी पढ़ोगे जल्दी जल्दी याद होगा, क्वेश्चन बनाओगे जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। तुम्हारा आधा घंटा का मेडिटेशन इतना भयानक दवाई के रूप में तुम्हारा काम करता है ना, बिलीव नहीं करोगे, पर एक बार करके देखो। तुम 10 दिन तक मेडिटेट करके देखो सुबह आधे घंटे, तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने अंदर। तो सुबह 4:30 से 5 तुम्हें मेडिटेट करना है या फ्रेशन अप होना है, जो भी करना है वो करो। इससे होगा क्या, तुम्हारा नींद भी जल्दी खुल जाएगा। तो तुम जब सुबह, ऐसे नहीं है कि जग करके अचानक से पढ़ने बैठ रहे हो, जब के अचानक से पढ़ने बैठोगे तो सुबह आधा से 1 घंटा तुम्हारा नींद में ही कट जाएगा। तो 4:30 से 5 मेडिटेट कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो पढ़ोगे वो जल्दी जल्दी याद होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा जो सबसे बाद मेडिटेट के बाद होता है वो थ्योरी वाला स्लॉट होना चाहिए, जो थ्योरी है इस बच्चे के लिए। फ्री वाले बच्चे के लिए 3 घंटा था तो सुबह 5 से 8 इसने थ्योरी कर लिया, इसके लिए 1.5 घंटा था तो इसने 5 से 6:30 थ्योरी कर लिया। अब उसके बाद तुम्हें 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का गैप मिल रहा है, इसमें तुम आराम से जो तुम्हें फ्रेश होना है, खाना खाना है, थोड़ा देर रेस्ट करना है, जो करना है इस 2 घंटे में कर लो। तो इसके लिए वो 2 घंटे का टाइम गैप है, और इसके लिए 6:30 से 3 बहुत लंबा टाइम गैप है। इसके बीच में तुम्हें जो क्लासेस करने हैं, तुम्हें भी जो फ्रेश होना है, खाना खाना है, जो करना है तुम इस टाइम गैप में कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये थ्योरी और मेडिटेशन वाला पार्ट इन दोनों बंदे का खत्म हो चुका है। ये मेडिटेशन तो तुम्हारा फ्रेशन अप होने वाला है, इसमें तुम्हारा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि इस समय तुम्हारे कोई क्लासेस कुछ नहीं होते, ये तुम्हारा अपने हाथ में है स्लॉट। वैसे बताऊं तो इस बच्चे को अपने स्लॉट में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पूरा टाइम जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है, किसी और के पास इसके टाइम का कंट्रोल नहीं है, पर इसके पास इसके टाइम का कंट्रोल इसके कोचिंग और स्कूल के हाथ में है। तो मेडिटेशन वाला टाइम इसके हाथ में, सुबह 4:30 से 5 किसी क्लासेस नहीं होते हैं, 5 से 6:30 भी कोई क्लासेस नहीं होते, तो ये भी, तो ये 2 स्लॉट जो थ्योरी और मेडिटेशन वाला, इसमें किसी और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात इसमें जो दिक्कत होगा इसका मेन, इस बच्चे का यहाँ पे दिक्कत होगा, तो इसके लिए मैं बताऊंगा क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि इसी टाइम पे हो सकता है जो तुम्हारे क्लासेस सामने भी चलते हो, तो मैं उस पे भी आऊंगा। पहले इस बच्चे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, थ्योरी तो हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें 3-3 घंटे हर किसी पे देने हैं, तो 10 बजे से 1 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स का कर लो, फिर मैथ का तुम 1 घंटा ब्रेक लेकर के, उसमें तुम दोपहर का लंच करना चाहते हो 1 से 2 बजे लंच कर लो, फिर 2 से 5 लगातार तुम 3 घंटे मैथ कर लो। देखो 3-3 घंटे अगर तुम लगातार करोगे ना तो तुम्हारे इसमें एक और फायदा है, 3 घंटे लगातार तुम्हारे पढ़ने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी, और जेई मेंस 3 घंटे का ही एग्जाम होता है, तो तुम्हारे लिए एकदम हैबिट रहेगा 3 घंटे लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने की, तो जब जेई मेंस देने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तो टाइम टेबल तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता है। फिर 5 से 6 ब्रेक ले लो, कुछ खेलने का मन है बाहर, आउटडोर गेम्स कुछ खेलने हैं तो वो कर लो, लेकिन बेस्ट वे जो रहेगा, अभी तुम्हारे लिए खेलने जाओगे तो फिर थक गया होगे तो फिर नींद आएगा, तो बेस्ट वे जो है फैमिली टाइम तुम जितना स्पेंड कर सकते हो मोबाइल से दूर रहो, फैमिली टाइम स्पेंड करो, जो ब्रेक्स है तुम्हारे उसमें, इसमें दिमाग तुम्हारा शांत होता है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम पढ़ने बैठोगे तो आराम से पढ़ाई होगी। फिर 6 से 9 रात में केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद 9 से 10 तुम रात का डिनर कर लो, और 10 से 10:30 में जो भी दिन भर का रिवीजन करना है तुम्हें, जो भी नोट्स बनाए थे 10 से 10:30 में रिवीजन कर लो और सो जाओ। 6 घंटे की नींद तो कम से कम लेनी ही है, तो 10:30 से 4:30 तक सो जाओ, तुम्हारे लिए ये है आराम से। अब इसमें 3-3 घंटे का स्लॉट दिया मैंने अपने हिसाब से, टाइम टेबल बता दिया, अब तुम्हें बाकी से जैसे अरेंज करना हो अपने हिसाब से, अपने कम्फर्ट के हिसाब से वैसे कर सकते हो, वैसे ये बेस्ट है। अब इस बच्चे की बात करते हैं, इसका 3 से 9 जो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो लगातार चलेगा, क्योंकि बताया इसका बहुत सारा टाइम जो है कोचिंग और क्लासेस भी लेकर के चले जाते हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा करना होगा। तो 3 से 9 लगातार तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने हैं, मतलब 6 घंटे तुम्हारा जेई एडवांस वाला हो जाएगा, 6 घंटे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 3 से 5 फिजिक्स 2 घंटा, 5 से 7 मैथ 2 घंटे, और 7 से 9 केमिस्ट्री वो भी 2 घंटे। फिर 9 से 10 तुम भी ब्रेक ले लो, और 10 से 10:30 में तुम अपना रिवीजन कर लो, जो भी दिन में तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ भी मार्क करके रखे हैं, हाईलाइट करके रखे हैं, उससे 10 से 10:30 में रिवीजन कर लो, और तुम भी 10:30 बजे सो जाओ, और फिर 10:30 से 4:30 सोते रहो, और 4:30 से उठ करके तुम अपना मेडिटेशन करो। तो देखो सबसे ज्यादा मैंने जो इसमें ध्यान रखा है, कोई तुम्हें नाइट स्टडी नहीं कर रही है, नाइट स्टडी में तुम्हें उतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगा, पढ़ोगे बहुत घंटे, काम करेगा बस इतने घंटे के जितना, तो जितना हो सके तुम सुबह वाले टाइम स्लॉट में पढ़ाई करने की कोशिश करो, रात में अवॉइड करो पढ़ना, बहुत लोग रात में ही पढ़ाई करते हैं और उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इस बच्चे को मैंने जो बताया था, इस बच्चे को ये जो टाइमिंग है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, इसमें दिक्कत कैसे आ सकता है, अगर शाम में तुम्हारा कोचिंग है तो सुबह वाला तुम्हारा जो टाइम स्लॉट में 6:30 के बाद 3 बजे फ्री रखा है, उसके बीच तुम्हारे क्लासेस नहीं होंगे, तो इसमें से जो 2-2 घंटे वाले कुछ स्लॉट्स है जहाँ पे तुम्हारे क्लासेस पढ़ रहे हैं उन्हें तुम उस समय शिफ्ट कर दो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो मैंने एक आइडियल टाइम टेबल दिया है, इसमें से कुछ स्लॉट्स ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, पर पढ़ना इतना जरूरी है। अब स्लॉट्स किसे तुम ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, वैसे बाकी मैंने जिस सिनेरियो को कंसिडर करके चला, अगर तुम्हारा सारा सिनेरियो उसमें फिट बैठता है तो तुम्हें टाइम टेबल में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट है आराम से इसे फॉलो करो। और इसमें जो जो प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए PYQ बुक चाहिए, थ्योरी के लिए थ्योरी बुक चाहिए, रिवीजन के लिए बुक चाहिए, तो सबका जो बुक चाहिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देखना, उसी वीडियो में जो बेस्ट बुक का वीडियो है ऊपर आई बटन में लिंक है वो देखो, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं। यहाँ से टाइम टेबल पता चल गया, वहां से बेस्ट बुक्स पता चल गया, मतलब यहाँ से कैसे कब कब पढ़ना है वो इस वीडियो में पता चलेगा, और कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो बेस्ट बुक्स वाले वीडियो में पता चलेगा। तो एक बार वापस से समराइज कर देते हैं, तो जिसको वैसे एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का, स्क्रीनशॉट ले लो, वापस समराइज कर देते हैं। तो इस बच्चे को 3-3 घंटे मतलब 9 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसे 2-2 घंटे मतलब 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसे 1-1 घंटे मतलब कि 3 घंटे थ्योरी पे, इसे आधे आधे घंटे मतलब 1.5 घंटे थ्योरी पे, इसे आधे घंटे रिवीजन पे, इसे भी आधे घंटे रिवीजन पे, इसका टोटल टाइम 12.5 घंटे का होगा, और इसका टोटल टाइम 8 घंटे का होगा। 4:30 से 5 सबको मेडिटेट करना है, फिर 5 से 8 3 घंटे इसे थ्योरी पे देने हैं, 5 से 6:30 इसे थ्योरी पे देने हैं 1.5 घंटे, फिर उसके बाद 10 से 1 2 घंटे के ब्रेक के बाद 10 से 1 इसे फिजिक्स पे लिए, और 2 से 5 फिर 1 घंटे के ब्रेक के बाद 2 से 5 मैथ पे, फिर 1 घंटे के बाद 6 से 9 इसे केमिस्ट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में देने हैं, इसे 3 से 5 5 से 7 और 7 से 9 रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देने हैं, 10 से 10:30 इसका भी रिवीजन, 10 से 10:30 इसका भी रिवीजन, 10:30 से सो जाना है सुबह 4:30 बजे, फिर उठना वापस इसी चीज को रिपीट करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैंने तुम जूनियर्स के लिए एक ऐप बनाया है दिवास्त्रक विज, जिसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और दिवास्त्रक विज ऐप डाउनलोड कर सकता है, यह दिवास्त्रक विज ऐप। इस ऐप का जो लिंक है वो ये रहा, तो ये जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसमें तुम टेस्ट दे सकते हो, खुद के टेस्ट बना सकते हो, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के बच्चे उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और
हमारा बाद में एक कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब जिसे डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स के लिए तुम्हारा फिलो ऐप है, फिलो ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से अगर डाउनलोड करते हो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें तुम 1-to-1 टीचर्स से वीडियो कॉल पे डाउट्स पूछ सकते हो। तो डाउट्स के लिए फिलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिवास्त्र फीस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, कुछ फीडबैक हो, कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो तो कमेंट में जरूर लिख करके बताना, और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट अपडेट के साथ तुम ट्यून रह सको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।